बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहारी मुल्तान रोड पर रिक्शा और कोच में तसादुम। रेस्क्यू वर्मेंटूटो के मुताबिक बिहारी हादसा के नतीजा में 4 अफराद जख्मी हुए। बिहारी जख्मी को THCO हॉस्पिटल बिहारी मुंतकिल किया गया। बिहारी नकाश पाकिस्तान चौधरी रहमत अली काज और ज़खाकी पाकिस्तान में लाने की कोशिश करने वाले चौधरी सरवर नूर का दौरा। बिहारी खुजर कॉलोनी में चौक का नाम चौधरी रहमत अली के नाम से रख दिया गया और अपनी ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी गई। बिहारी पाकिस्तान का नाम तजवीज करने वाले चौधरी रहमत अली, जिनकी मैयत बरतानिया में मौजूद है, इनके जलसे खाकी को पाकिस्तान लाने के लिए कोशिश करने वाले चौधरी सरवर नूर ने बिहारी का दौरा किया और गुजर कॉलोनी के मेन चौक का नाम चौधरी रहमत अली चौक रख दिया गया। इस मौके पर फीता काज का इफ्तिताह भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सरवर नूर ने कहा कि बरतानियों अदालत से चौधरी रहमत अली का जलसे खाकी पाकिस्तान लाने के हवाले से केस जीत चुका हूँ। हुकूमत पाकिस्तान से NOC की ज़रूरत है। NOC मिलते ही चौधरी रहमत अली का जलसे खाकी आ सकता है। चौधरी रहमत अली का जलसे खाकी पाकिस्तानी कौम की जायदाद है। इस मौके पर समाजी रहनुमा मियाँ जहाँ से एडवोकेट ग्रुप लीडर आमिर अली जैन, चेयरमैन गुजर संगत पाकिस्तान चौधरी शब्बीर गुजर, दुबई के मारूफ बिजनेसमैन भी मौजूद थे। गोड़ की प्रेस क्लब इंतखाबात में सीनियर सहाफ़ी रमजान चन्ना सदर और सीनियर नायब सदर जफर अहमद सिद्दीकी मुंतखब हो गए। प्रेस क्लब साल 2021 के इंतखाबात सीनियर सहाफ़ी ज्योतराम आर मंगलानी की निगरानी में हुए, जिसमें सदर हाजी रमजान चन्ना, सीनियर नायब सदर जफर अहमद सिद्दीकी, नायब सदर आज़ाद मेहर, जनरल सेक्रेटरी अली असगर मल्लन और दीगर अहदेदारों ने नौमंथी बरकान ने भी शिरकत की। मानसीरा शाहनवाज चौक के करीब कैरी डब्बा और मोटर कार में तसादुम, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू वर्मेंटूटो कंट्रोल रूम की इतला मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसेरा मुंतकिल किया गया। मानसेरा बालाकोट नारायण रोड पर कायम पुख्ता गैर कानूनी तजावजात को हटाने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। हैवी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तजावजात को हटाने का सिलसिला जारी। किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने खातून के कत्ल में मुलव्वस शोहर को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर सांगला हिल की हदूद में चंद रोज कबल भुलेर रोड पर फायरिंग से जांबक होने वाली खातून कश्यप कमल का अपना ही शोहर कातिल निकला। सांगला हिल पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से आला कत्ल और कार बरामद कर ली। DSP सर्कल सांगला हिल मलिक आतिफ मिराज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंद रोज कबल पुलिस को इतला मिली कि भुलेर रोड चेले की स्टाफ के करीब डकैती की दौरान डाकू ने फायरिंग करके खातून को कातिल किया, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए थाना सदर की पुलिस जाई वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने कश्यप के शोहर उमर फारूक को शामिल तफ्तीश कर लिया और मुलजिम उमर फारूक ने अपनी बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ भी किया। मानसेरा दरियाबाला में शादी की तकरीब में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू वर्मेंटूटो कंट्रोल रूम को वाकई की इतला सुबह 4 बजे मिली। फायरिंग से नवाब खान खालत मोहम्मद नज़ीर जख्मी हुए। रेस्क्यू वर्मेंटूटो मेडिकल टीम ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मानसेरा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह बाजी का जिला मानसेरा का दौरा। आला सतही मीटिंग की सदारत की गई। मीटिंग में DPO मानसेरा सादिक बलोच, SP इन्वेस्टिगेशन मानसेरा, एडिशनल SP मानसेरा, SP स्पेशल ब्रांच, SSP TD हजारा मानसेरा के STPOs और SHOs साहिबान ने शिरकत की। DPO मानसेरा ने IGP को 7/2020 के मुकदमा की तफसीली ब्रीफिंग थी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए आज का पाकिस्तान न्यूज।